राधे राधे। और आज मैं ब्लॉग अपना शाम को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि दिन सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। गर्मी इतनी रहती है, जल्दी जल्दी ऐसे लगता है काम कर लो किसी तरह, बस हो गया। और आज मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ शाम का, मतलब एक होल से दो तरह के नाश्ते, और आप लोगों को रेसिपी दिखाऊँगी साउथ इंडियन डिश है। और आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का भी। देखिए ये हमारे पेड़ पौधे, ये शुभंगी क्या कर रही है, देखिए कुछ ना कुछ इसका कार्टून चालू रहता काम। ये देखिए सारा दिन इसको करना क्या है, बस मस्ती करती रहती है। और ये देखो एक जन को देखो अलाली फैलाए पड़े हैं, उठो। ये देखो लड्डू गोपाल को उसने कपड़े बना के पहनाए हैं, आप लोग भी देखिएगा। और इनकी वो पैंटी देते नहीं है क्या, वो बनाई। देखिए लड्डू गोपाल के लिए कपड़े बना के रखे उसने, ये देख। ये है रवा, और इसमें डालेंगे हम दही। दही और रवा, थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे, ये देखिए अभी थोड़ा सा पहले ऐसे सूखा सूखा मिक्स करेंगे, फिर इसमें डालेंगे पानी। ये पानी डाल के इसका हम घोल बना लेंगे। ये देखिए घोल बना लेंगे, और इसे अच्छा से मतलब मिला लेना है ताकि दही का वो ना रहे गुठली, वो जैसे मतलब गुठली पड़ जाती है वो ना रहे, नहीं तो कैसा है फिर बनाने में दिक्कत जाती है। अच्छे से कर लेना चाहिए। ये देखिए हमने चटनी के लिए सेंग दाना और दालिया भिगा के रख देंगे। ये देखिए ये हमारा घोल बन गया है, बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमने ये सब्ज़ी कट करके रखी है, ये सब्जी डालेंगे। ये चटनी के लिए हमने पानी डालकर उसको भिगा दिया, इनो पाउडर भी मंगाए थे हमने। ये देखिए इनो पाउडर डाल, ये चटनी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए सेंग दाना और मूँगफली, नहीं सेंग दाना और दालिया का और मिर्ची संभार डाल दिया हमने। पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए हमने पीस के रख लिया है, पीस के हो गया है हमारा। अब ये देखिए ये है घोल हमारा, इसमें डाल दिया इनो। इनो डालने के बाद इसमें डालेंगे जो सब्ज़ी हमने कट करके रखी, मिर्ची संभार और टमाटर डालेंगे। और आपको डालना रहेगा तो आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मिर्ची टमाटर संभार डाले हैं क्योंकि सुख के पापा को पसंद नहीं है प्याज खाना। और हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है इसलिए हम नहीं डालते। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमने चटनी में पानी और डाल दिया, निकाल ली, गाढ़ी गाढ़ी चटनी बना रहे हैं। और ये है खोपरा और नहीं दालिया और सेंगदाने की चटनी, इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। ये इसमें नमक डाल दिया है, नमक डाल, ये देखिए नमक डाल दिया हमने। और ये नमक और ये तड़का लगाएंगे हम। इसमें इसमें तड़का लगता है राई और उससे क्या बोलते हैं, गैस चालू करेंगे। आपका तेल गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे राई, क्योंकि इस राई का तड़का लगाने से चटनी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें तेल और डाला मैंने क्योंकि इसमें डालना था जो हमने घोल बना के रखा है उसमें। देखिए हमारी हींग डाल दिया एक चुटकी, हींग ज़रूर डाल लें क्योंकि हींग डालने से अच्छा हो जाता है। और देखिए हो रहा है हमारा तड़का, उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता डालते बराबर आग लग गई थी उसमें, देखना आप लोग कभी, देखिए आप ऐसे ही डालेंगे हम। ये अभी देख आप लोग, ये देखिए आग जल गई, पानी था और गैस मैंने तुरंत बंद कर दी। ये देखिए धीम कर दिया था हमने। ये देखो इसमें मिर्ची डाल दी, लाल वाली सूखी वाली दो मिर्ची डाली तड़का। ये देखिए अभी जो हमने घोल बनाया था उसमें तड़का डाल देंगे थोड़ा सा, इससे
टेस्ट और बढ़ गया था। ये देखिए एक तड़के से दो उसमें काम चल गया हमारा। इसमें डाल दिया हमने, चटनी में भी तड़का लगा दिया। ये चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है चटनी। ये देखिए और ये घोल में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तड़का तड़का डालने से स्वाद बहुत अच्छा हो गया था। अब हम सांचे में डाल देंगे बैटर। इसमें लगा दिया था तेल हमने, उसमें जो हमने घोल बनाया था उसको डालेंगे। ये देखिए आप लोग इसे सांचे में भर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं भरा क्योंकि ये फूलते हैं इनो डालने से। आधा आधा डाल देंगे हम, एक एक चम्मच इसमें, और इसको रखेंगे पकने के लिए। भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारा अपे पक के तैयार हो गया एक तरफ का। और अभी हम इसको, ये देखिए अभी इसमें हम पानी डालेंगे, घोल थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि अब इसमें डालेंगे हम ये उत्तपम बनाएंगे। इसका घोल पतला ही रखना चाहिए, वो गाढ़ा रहता तो फिर अच्छे से बनता नहीं। आपको दिखाते हैं, देखिए आप लोग, और बहुत टेस्टी रहता है ये नाश्ता। आप लोग भी ट्राई करना, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग देखना, ना कि एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, और ये घोल बनाने से उत्तपम भी बन जाता है और अप्पे भी बन जाता है। ये देखिए अभी इसको अच्छे से घोल कर देंगे। पहले आँच को तेज करना चाहिए, फिर उसके बाद धीम कर दूँ तो धीरे धीरे पकता। ये देखिए अब पलट के दिखाएंगे हम आपको। नॉनस्टिक पैन में बढ़िया अच्छा बन जाता है, इसमें ज़्यादा चिपकता नहीं। और ये देखिए हमारा उत्तपम कितना बढ़िया बना है। और इधर आपको दिखाते हैं, अब पे हमने पलट दिया था, अब पे हमारा कितना बढ़िया बना है। अब निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है चटनी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए चटनी, और ये है हमारा उत्तपम। अब ये है अप्पे। आज का नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए आप लोग दोस्तों, और मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।